हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आईआईटीज आर नॉट इन फेवर ऑफ कैंसलिंग जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो कि 21 जून को पब्लिश हुआ है। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है जो भी आईआईटीज है वो जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैंसिल कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, या फिर कह लो पोस्टपोन कराने के पक्ष में भी नहीं है। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं, जैसा कि देख सकते हो, वाइल सम स्टूडेंट्स आर इन फेवर ऑफ रिशेड्यूलिंग बोथ द एग्जाम्स, अदर वांट देम कैंसिल। तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन करा दिया जाए और कुछ चाहते हैं कि इसको कैंसिल करा दिया जाए। तो इसी के ऊपर आईआईटी रूपर के एक अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट, मतलब उन्होंने जानकारी दी है, न्यूज़ से बात करते हुए एक आर्टिकल छपा है जिसके बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या आपके सेशन पे फ़र्क पड़ने वाला है, 4 साल का जो आप बीटेक कोर्स करोगे आईआईटी में, और उसके बाद इस पे जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस है उस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला, तो सारा चीज़ डिटेल में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखते रहना। जैसा कि देख सकते हो, ड्यू टू डिटोराइटिंग कोविड-19 क्राइसिस इन द कंट्री, स्टूडेंट एंड पेरेंट हैव रेज्ड कंसर्न ओवर कंडक्टिंग जेई मेन एंड नीट इन जुलाई। तो यार बात सही है, कोविड-19 के कारण पूरे देश में मतलब कोरोना वायरस फैल रहा है, स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा है, जिसके कारण पेरेंट्स और बच्चे का कंसर्न एकदम सही है कि इसको पोस्टपोन करा देना चाहिए फर्दर डेट्स के लिए। जैसा कि देख सकते हो, अ मैसिव ट्विटर कैंपेन इज ऑन पर्स्यू एचआरडी मिनिस्टर। तो एक ट्विटर पे कैंपेन भी किया गया था हम लोग के द्वारा, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर और बच्चे ने सपोर्ट करके ट्विटर पे हैशटैग पोस्टपोन जेई पोस्टपोन नीट करके मतलब ट्विटर पे ट्रेंडिंग में गया था, जो कि पोस्टपोन के लिए था। तो इसी के ऊपर एचआरडी मिनिस्टर ने भी कुछ फैसला लिया, और भी फैसला अभी करना बाकी है। एग्जामिनेशन होगा कि नहीं उसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। देख सकते हो, कैंसलिंग जेई मेन एंड एडवांस इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज एडमिशन टू आईआईटीज इज अ सीरियस मैटर, इंस्टीट्यूट हैव टू एडमिट स्टूडेंट्स। कैंसलिंग जेई मेन एडवांस इज नॉट एन ऑप्शन, तो ये बात सही है, जेई मेन्स को कैंसिल करके कोई फ़ायदा नहीं है और एडवांस को भी कैंसिल करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जेई एडवांस के बदले में कहा जा रहा था कि जेई मेन्स के ही जगह पे जेई मेन्स का सिर्फ एग्ज़ाम लिया जाए और जेई एडवांस के जगह पे उसमें एडमिशन आईआईटीज में एडमिशन दिया जाए। तो कैंसलिंग जेई मेन एंड एडवांस इज नॉट एन ऑप्शन, बात सही है। एडमिशन टू आईआईटीज, आईआईटी इंडिया की नंबर वन कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे सभी बच्चा पढ़ना चाहता है। तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है उसको अच्छे से एग्जामिनेशन देना पड़ता है, 2 फेज में एग्जामिनेशन देना पड़ता है, आपको पता है। उसके बाद जो भी इसका जो अदर मतलब मान लो कि अगर कैंसिल कर दिया जाता है जेईई मेन और एडवांस को, तो कोई अदर स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है। इस कोरोना वायरस के दौरान एग्जामिनेशन को बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है, जिसके कारण जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है वही आपका जेईई मेन जेईई एडवांस, तो उसके बाद आपको एडमिशन होगा। लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है कि स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एडमिशन लेने के लिए आईआईटीज में। उसके बाद जो मेंबर ऑफ जेई एडवांस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्होंने एक कंडीशन, जैसा कि देख सकते हो कि एक कंडीशन रखी है, उन्होंने इस नज़रिए को कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। पोस्टपोन के बारे में उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने साफ कहा कि कैंसिल तो नहीं होना चाहिए। देख सकते हो, एक और आर्टिकल है AINCNews.com का, इस पर भी छपा है, और साथ में WN.com का भी आर्टिकल है जिसमें इसी के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद एज अ कंसिक्वेंस ऑफ डिटोराइटिंग कोविड-19 डिजास्टर विद इन द नेशन, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ओल्डस्ट हैव रेज्ड इशू ओवर कंडक्टिंग जेई मेजर एंड नीट इन जुलाई। तो जेई जो जुलाई में होने वाला है, और नीट मतलब डेट्स तो फाइनलाइज हैं कि जुलाई में होने वाला है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि ये एग्जामिनेशन कैसे होगा। अगर आज की बात करें तो 410,000 प्लस केसेस हो गए इंडिया में। लार्ज ट्विटर मार्केटिंग कैंपेन इज ऑन टू इन्फ्लुएंस एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक टू कंटेम्पलेट दिस इशू। तो आपको बता दूं, ये जो मैटर है इसको ध्यानपूर्वक हमारे एचआरडी मिनिस्टर भी देख रहे हैं, और ट्विटर पे जो कैंपेन चला है उन्होंने भी इसके बारे में जरूर से देखा होगा कि जेई को पोस्टपोन करो और नीट को पोस्टपोन करो। वेयर हैज सम कॉलेज स्टूडेंट्स आर इन फेवर ऑफ रिशेड्यूलिंग ईज द एग्जाम, अदर नीड देम कैंसिल। कुछ बच्चे चाहते हैं कि इसको रिशेड्यूल कर दिया जाए फर्दर डेट्स के लिए, जब भी कोविड का सिचुएशन अच्छा होगा तब एग्जामिनेशन ले लिया जाए, लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो कैंसिल कोई ऑप्शन नहीं है, आईआईटीज में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है एडमिशन के लिए, अगर इसको कैंसिल किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद कैंसलिंग जेई मेजर एंड सुपीरियर
जस्ट इज नॉट अ चॉइस एज अ रिजल्ट ऑफ एडमिशन टू IITs। आपको बता दूं जो कैंसिलिंग JEE एग्जामिनेशन है वो सुपीरियर तरीका नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर IITs में एडमिशन दिया जाएगा तो वो किस बेसिस पे दिया जाएगा उसका कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है। तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है अगर जो भी एडमिशन लेना चाहता है उसमें। एज एन अल्टरनेटिव ऑफ टेकिंग गुड केयर ऑफ दोज दैट आर ऑपरेटिंग द मार्केटिंग कैंपेन, इट्स हायर टू कंसेंट्रेट टू दोज दैट आर मार्केटिंग रेडी एग्जॉट टू क्रैक एग्जामिनेशन। और जो यार एक बात बता दो, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे, वो चाहते होंगे कि जरूर से एग्जामिनेशन हो, लेकिन कोविड का संक्रमण जुलाई में ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, इसके लिए पोस्टपोन उसको करना चाहिए। उसके बाद देख सकते हो सरित के दास है, डायरेक्टर हैं IIT रोपड़ के, उन्होंने कहा है कि हु हेल्प्स HRD मिनिस्टर रिसोल्यूशन टू गो फॉरवर्ड विद JEE मेजर एंड सुपीरियर एग्जामिनेशन। वो उनके साथ है, जो भी बच्चा चाहता है कि एग्जामिनेशन हो वो अच्छी बात है, लेकिन अभी पोस्टपोन कर दिया जाए, कुछ बच्चे चाहते हैं ताकि कोविड स्प्रेड ना हो, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का फेज ना आए। तो ही प्रोवाइड्स दैट एडिशनल रिशेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन मे बी एन चॉइस इफ पेंडेमिक गेट वर्स इन जुलाई। तो वो चाहते हैं एग्जामिनेशन हो लेकिन रिशेड्यूल कर दिया जाए, अगर जुलाई में अगर सिचुएशन बहुत खराब होती है तो सिचुएशन खराब होती है जिसके कारण उसको रिशेड्यूल कर देना चाहिए। उसके बाद इससे फर्क क्या पड़ेगा, अगर मान लो कि इसको और ज़्यादा रिशेड्यूल कर दिया जाता है तो एक फर्क ये पड़ेगा जो आपका सेशन है, जो सेक्शनीय सत्र है, ट्यूटोरियल सेशन है, वो शॉर्ट कर दिया जाएगा। एनुअल समर सेशन और डिफरेंट ब्रेक्स को आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर आपका सेशन लेट होता है, ऑब्वियसली लेट होना ही है, आपका सेक्शनीय सत्र लेट होना ही है चार साल में, तो उसके उसको भरपाई करने के लिए जो आपका एनुअल समर सीजन है और डिफरेंट ब्रेक्स है उसको कम कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो पूरा चार साल का करियर है, मतलब चार साल का जो वहाँ पे आप पढ़ने वाले हो उसमें आपको छुट्टी कम मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अब आपको बता दूँ अगर बोर्ड्स के नंबर पे यहाँ एडमिशन दी जाती है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो स्कॉलर्स है जो अच्छा स्कोर करके यहाँ पे पहुँचते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ट्वेल्थ के बेसिस पे लिया जाएगा तो बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स चेक कर किए जाएंगे। तो ये तो संभव नहीं है मेरे ख्याल से कि ट्वेल्थ के बेसिस पे लिया जाएगा, एग्जामिनेशन तो आपका डेफिनेटली होगा। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और उसके बाद देर इज नो सच थिंग एज अ डिफरेंट स्टैंडर्डाइज कोर्स और टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू IITs मेंशन अ मेंबर ऑफ JEE सुपीरियर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑन सिचुएशन ऑफ एनोमिटी। तो वो सोचते हैं कि इस प्रोसेस को ना अपनाया जाए, जो IIT का जो अपना प्रोसेस है उसी पे एग्जामिनेशन लिया जाए, भले पोस्टपोन हो लेकिन एग्जामिनेशन लिया जाए। कैंसलिंग द सेकेंड वर्जन ऑफ JEE मेजर एंड सुपीरियर एग्जाम कुड बी अनफेयर टू दोज दैट हैव बीन फाइंडिंग आउट एग्जॉस्टिंग फॉर एग्जामिनेशन ही प्रोवाइड्स। तो आपको बता दूँ जो भी कैंसलिंग के लिए बोल रहा है कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्डाइज प्रोसेस दूसरा नहीं है तो इसको कैंसिल करना मुश्किल है। तो यही कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो जो गाइडलाइंस है बच्चों के लिए, वो प्राइमरी एग्जामिनेशन जो जनवरी में लिया गया था उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन नहीं भी दिए थे जो कि सेकेंड फेज में एग्जामिनेशन देने वाले थे, लेकिन इस पेंडेमिक के कारण एग्ज़ाम को डेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो और भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं जो कि जुलाई में होने वाला है या फिर पोस्टपोन होकर आगे बढ़ने वाला है। तो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है, अगले वीक तक डिसाइड होने के चांसेस है। तो जो भी न्यूज़ आएगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके बताना कि इसको कैंसिल तो नहीं करना चाहिए, सिर्फ पोस्टपोन करना चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। इसमें जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इसे कैंसिल कर दिया जाएगा, तो उनके पास चांसेस होंगे, लेकिन अगर कैंसिल कर दिया जाएगा तो चांसेस ख़त्म हो सकते हैं। तो यही कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी आप लोगों के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इसी तरह के वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।